12 अगस्त 1997 की सुबह के 10:30 का वक्त था, जब अंधेरी के एक मंदिर के दर्शन करने पहुंचे टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार। जीत नगर के जीतेश्वर महादेव मंदिर में गुलशन कुमार कई सालों से हर दिन बिना रुके सुबह सुबह दर्शन करने आते थे और फिर इसके बाद अपने दिन की आगे के काम करते थे। सब नॉर्मल चल रहा था। गुलशन कुमार अपनी गाड़ी से मंदिर पहुंचे और अंदर जाके पूजा करने लगे, पर जैसे ही वो बाहर निकले, दो अज्ञात लोगों ने उन पर गोलियों से हमला करना शुरू कर दिया। गुलशन कुमार ने भागने की भी कोशिश की, वो सामने लोगों के घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, मगर किसी ने उनकी मदद नहीं की। गुलशन कुमार को हॉस्पिटल तुरंत ले जाया गया, पर हॉस्पिटल पहुंचते ही गुलशन कुमार को मृत घोषित कर दिया गया। इस न्यूज ने पूरे इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। ये उनपे अब तक का सबसे बड़ा हमला था। सब खौफ में थे क्योंकि इस हमले के पीछे अंडरवर्ल्ड का नाम आ रहा था। मगर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट रिकॉर्ड लेबल के मालिक पे ऐसा हमला हुआ, और कौन था इस हमले के पीछे, ऐसे क्या इवेंट्स थे जिसके वजह से गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई? चलिए जानते इस वीडियो में अबाउट द शॉकिंग डेथ ऑफ गुलशन कुमार। गुलशन कुमार दुआ एक बहुत ही सक्सेसफुल और एम्बिशियस बिजनेसमैन थे, और इस सक्सेस के पीछे उनके अलग ही स्ट्रगल्स थे। 5 मई 1951 में पैदा हुए गुलशन कुमार दुआ के पेरेंट्स पार्टीशन के बाद इंडिया में शिफ्ट हो गए थे। उनके फादर ने दिल्ली के दरियागंज में एक जूस का स्टॉल खोला, जहाँ गुलशन कुमार भी काम करते थे। पर इवेंचुअली गुलशन कुमार की फैमिली ने एक रिकॉर्ड्स की शॉप खरीदी, जहाँ पे कैसेट्स की सेल होती थी, और यहीं पे गुलशन कुमार का इंटरेस्ट म्यूजिक में आया। उन्हें इस मार्केट में काफी पोटेंशियल दिखा और उन्होंने फिर खुद का लो कॉस्ट कैसेट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा सुपर कैसेट्स इंडस्ट्री। और ये बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। इनफैक्ट नोएडा में उन्होंने इस म्यूजिक कंपनी को लॉन्च भी किया, और उनके कैसेट्स मार्केट प्राइस से काफी कम दाम में मिलते थे। और साथ साथ गुलशन कुमार के सक्सेस के पीछे एक और राज था, उनकी दुकान में अवेलेबल पुराने गानों के कवर सॉन्ग्स, जिसके वजह से इनका लेबल काफी और पॉपुलर हो गया। साथ में नए एस्पायरिंग आर्टिस्ट को भी काम मिलने लगा, और बस गुलशन कुमार ने फाइनली अपने इस लेबल कंपनी को मुंबई में शिफ्ट किया, और वहां जाके इस म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी का नाम रखा टी सीरीज, जिसमें टी स्टैंड्स फॉर त्रिशूल, बिकॉज गुलशन कुमार शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। टी सीरीज पहले पुराने गानों के पायरेटेड कवर सॉन्ग्स बना के बेच रही थी, पर इवेंचुअली वो जस्ट रिलीज हिंदी फिल्मों के गानों का भी पायरेटेड कवर सॉन्ग्स बना के बेचने लगी, जिसके वजह से काफी सारे लेबल्स पर इफेक्ट पड़ने लगा, जैसे कि टिप्स। और टी सीरीज इससे इसलिए बच पाई बिकॉज ऑफ द लूप होल इन द कॉपीराइट लॉ, और इस चीज से म्यूजिक इंडस्ट्री काफी नाराज थी। साथ में गुलशन कुमार के प्रोडक्शन से काफी भक्ति वाले गाने भी आने लगे, क्योंकि गुलशन कुमार खुद शिवजी और वैष्णो देवी के भक्त थे, और मार्केट में भक्ति गानों के कैसेट्स की मार्केट ओपन थी, और इसका फायदा टी सीरीज ने काफी अच्छे से उठाया। टी सीरीज के सस्ते कैसेट्स विद द वैरायटी ऑफ अवेलेबल सॉन्ग्स लोगों में काफी पॉपुलर हो गए। हर कोई इनके कैसेट्स खरीद रहा था, चाहे वो ऑटो वाले हो, टैक्सी ड्राइवर्स हो, शॉप ओनर्स हो, हर कोने में इनके कैसेट्स बज रहे थे। और देखते ही देखते टी सीरीज बाय द टाइम ऑफ 1997 एक 500 करोड़ की कंपनी बन गई, और इसी की वजह से गुलशन कुमार के काफी दुश्मन भी बन गए। गुलशन कुमार की टी सीरीज ऑलरेडी काफी बड़ी ब्रांड बन चुकी थी, और इसी के साथ टी सीरीज ने कदम रखा बॉलीवुड में। उन्होंने कई बड़े बड़े आर्टिस्ट को लॉन्च भी किया, जैसे कुमार सानू, अनुराधा पडवाल, नदीम श्रवण एंड इवन सोनू निगम। और टी सीरीज ने 1985 की फिल्म लल्लू राम में फर्स्ट टाइम अपना ओरिजिनल साउंड ट्रैक रिलीज भी किया। फिर 1988 की फिल्म कयामत से कयामत तक में इनके गाने थे, जो उस टाइम का बेस्ट सेलिंग एल्बम बना। पर फिर 1990 की फिल्म आशिकी ने टी सीरीज का गेम ही चेंज कर दिया। महेश भट्ट की डायरेक्टेड इस फिल्म में गाने थे नदीम श्रवण के, और इस फिल्म के गाने ऐसे हिट हुए कि टी सीरीज ने इस फिल्म के 20 मिलियन कॉपीज बेचे सिर्फ इंडिया में। टी सीरीज के गाने लिटरली मूवी से ज्यादा फेमस होते थे, और इसके पीछे था गुलशन कुमार का जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटजी। वो मूवी के रिलीज से पहले ही उनके गाने ऑल ओवर इंडिया रिलीज कर देते थे, हर टैक्सी ऑटो शॉप वगैरह में इनके गाने बजते रहते थे, और फिल्म आने से पहले लोगों के दिमाग में इनके गाने होते थे। और इस फॉर्मूला ने टी सीरीज को एक काफी हिट ब्रांड बना दिया, और साथ में नदीम श्रवण की जोड़ी को एक बहुत बड़ा हिट। गुलशन कुमार ऐसे कई लोगों को लॉन्च करते थे। टी सीरीज ऑलरेडी हिट लेवल था ही, और यहाँ पे काम करने के बाद सारे आर्टिस्ट का करियर बन जाता था, और गुलशन कुमार एक आर्टिस्ट के साथ काम करने के बाद वापस जल्दी काम नहीं करते थे, क्योंकि भाई उनका ऑलरेडी करियर बन चुका है, अब चलो किसी और की बनाते। और इस बात का नदीम श्रवण की जोड़ी में नदीम सैफी को काफी बुरा लगा। कहा जाता है कि नदीम सैफी काफी नाराज थे गुलशन कुमार के साथ, क्योंकि उन्होंने वापस उनके साथ काम नहीं किया। 1996 में नदीम ने खुद का म्यूजिक एल्बम बनाया,
बनाया था हाय अजनबी। वो चाहते थे कि गुलशन कुमार उनके राइट्स खरीद के उस गाने को लॉन्च करे। गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार दुआ ने इससे साफ मना कर दिया, कहते हुए कि उनके गाने अच्छे नहीं है। मगर गुलशन कुमार ने नदीम के गानों के राइट्स फिर भी खरीदे और इवन एक म्यूजिक वीडियो तक प्रोड्यूस किया इस गाने के प्रमोशन के लिए। मगर 1997 में ये एल्बम रिलीज तो हुआ मगर बहुत बुरी तरह से फ्लॉप भी हो गया और नदीम ने इस एल्बम के फ्लॉप होने का ब्लेम गुलशन कुमार पे डाला और इस चीज ने एक ऐसी राइवलरी को जन्म दिया जिसके लिए गुलशन कुमार को एलिजिबली असैसिनेट करवा दिया गया। कहा जाता है कि उसी साल नदीम ने दुबई में एक बहुत बड़ी पार्टी दी। इस पार्टी में बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम शामिल थे, शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, कुमार सानू, आदित्य पंचोली, पर इस पार्टी में अंडरवर्ल्ड के लोग भी थे जैसे कि दाऊद इब्राहिम और अबू सलीम। और ये पार्टी रखने का रीजन था गुलशन कुमार के असैसिनेशन की प्लानिंग। और 12 अगस्त 1997 को जब गुलशन कुमार की डेथ हुई तो नदीम इंडिया में थे ही नहीं, वो लंदन में थे अपनी वाइफ के साथ। गुलशन कुमार की टी सीरीज एक काफी सक्सेसफुल रिकॉर्ड लेबल बन चुकी थी और ये वो वक्त था जब ज्यादा पैसा कमाना मतलब मुसीबत, क्योंकि 90s का वो एरा था जहाँ पे फिल्म प्रोड्यूसर्स, बिल्डर्स, बिजनेसमैन एक्सेट्रा को आए दिन अंडरवर्ल्ड से कॉल आते रहता था फॉर प्रोडक्शन मनी। इन कॉल्स में हमेशा एक अंडरवर्ल्ड से जुड़ा आदमी कॉल करेगा जो अमीर लोगों से एक्सटॉर्शन के पैसे मांगता था और इन्हें पैसा ना देने वालों के साथ हमेशा बुरा होता था, जिसके वजह से कई लोग बिना सोचे समझे पैसे दे भी देते थे। और ऐसा सेम कॉल गुलशन कुमार को आया अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम का। अबू सलीम ने गुलशन कुमार से पहले हर महीने 5 लाख रुपए की डिमांड की मगर फिर अबू सलीम ने 10 करोड़ की डिमांड रखी। कहा जाता है कि गुलशन कुमार ने काफी बार यह अमाउंट अबू सलीम को दिया भी, पर उसके बाद गुलशन कुमार ने पैसे देने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद अबू सलीम ने गुलशन कुमार को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने ये क्लेम किया था कि नदीम सैफी ने अबू सलीम को पैसे दिए गुलशन कुमार को मारने के लिए, एंड सिंस अबू सलीम ऑलरेडी प्लान बना चुके थे गुलशन कुमार को मारने के लिए तो उसके लिए ये काम करना और आसान हो गया। पुलिस ने क्लेम किया कि उन्हें नदीम के फोन रिकॉर्ड्स में उनके और अबू सलीम के बीच कॉन्स्टेंट कॉल के रिकॉर्ड्स मिले और वही साथ में नदीम का गुलशन कुमार के मर्डर के वक्त इंडिया के बाहर रहना ने इस थ्योरी को और पुश दे दिया कि नदीम का बड़ा हाथ था इस असैसिनेशन में। वही साथ में एक और नाम के आया, वो था टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तुरानी का। रमेश तुरानी कहा जाता है कि टी सीरीज के बढ़ते सक्सेस से परेशान थे एंड पुलिस ने क्लेम किया कि उन्होंने 25 लाख दिए थे गुलशन कुमार को मरवाने के लिए। वहीं पे जिन लोगों ने गुलशन कुमार पे हमला किया था अंधेरी में, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से 3 नाम बाहर निकल के आए जिसमें अब्दुल रौफ का नाम आया जो मेन शूटर था इस केस में और बाकी 2 नाम थे अब्दुल रशीद और अली शेख। और जब ये असैसिनेशन चल रहा था तब अबू सलीम इन लोगों के साथ कॉल पे था गुलशन कुमार की मौत को विटनेस करने के लिए। अब्दुल रौफ को फिर कोलकाता से अरेस्ट किया गया और फिर इस केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। गुलशन कुमार की डेथ के बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और किशन कुमार दुआ से पूछताछ से पुलिस को पता चला कि अबू सलीम कॉन्स्टेंटली गुलशन कुमार को धमकी दे रहा था कॉल पे एक्सटॉर्शन के लिए। और साथ में नदीम शेख के एल्बम हाय अजनबी के फ्लॉप होने के लिए भी अबू सलीम ने धमकी दी गुलशन कुमार को। और 30 अगस्त 1997 को पुलिस ने नदीम शेख को इस केस का को कॉन्स्पिरेटर डिक्लेयर किया और फिर अक्टूबर 1997 में टिप्स के मालिक रमेश तुरानी को भी अरेस्ट किया। और नवंबर 1997 तक पुलिस ने एक 400 पेज की केस शीट फाइल की जिसमें 26 लोगों का नाम मेंशन था। इस केस में अक्यूज अली शेख बाद में पुलिस विटनेस बने। पुलिस की चार्जशीट में ये कहना था कि इस केस की प्लानिंग दुबई में हुई और नदीम शेख को पुलिस अरेस्ट करना चाहती थी मगर नदीम तो लंदन में थे, जिसके लिए उनके एक्सट्रेडिशन के लिए केस लड़ा गया। नदीम ने क्लेम किया कि वो इनोसेंट है और उन्होंने लॉयर्स की मदद से लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपने इनोसेंस के लिए केस लड़ा। लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने लैक ऑफ प्रूफ की वजह से नदीम सैफी को इनोसेंट डिक्लेयर किया, जिसके वजह से इंडियन कोर्ट्स को भी नदीम सैफी के अगेंस्ट जो केस था उसे खारिज करना पड़ा, लेकिन उन्होंने नदीम के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट को कभी भी वापस नहीं लिया, जिसकी वजह से नदीम कभी भी इंडिया वापस नहीं आ पाए। वो आज भी यूके में रहते हैं जहाँ पे वो अपना बिजनेस करते हैं। पुलिस को रमेश तुरानी के अगेंस्ट भी कोई खास एविडेंस मिला नहीं, जहाँ उनके कॉल रिकॉर्ड्स में किसी फॉरेन नंबर के साथ कॉन्टेक्ट तो थे मगर ये चीज कभी प्रूव नहीं हो पाई कि ये नंबर अबू सलीम का था। रही बात अबू सलीम की, तो अबू सलीम पे 93 ब्लास्ट का ऑलरेडी केस चल रहा था और उस टाइम से अबू सलीम फरार था। पुलिस कॉन्स्टेंटली अबू सलीम को ट्रैक कर रही थी। फाइनली 2002 में अबू सलीम को पोर्चुगल में वहां की इंटरपोल ने पकड़ा अलोंग विद मोनिका बेदी।
और इंडिया और पोर्चुगल के बीच फिर काफी लीगल बैटल हुए उसे इंडिया में वापस लाने के लिए, जिसमें अबू सलीम पे जो लिस्ट ऑफ क्राइम्स है उसके ट्रायल के लिए पोर्चुगल अबू सलीम को भेजने के लिए तैयार थी, लेकिन इस लिस्ट में गुलशन कुमार की मर्डर को लिखा ही नहीं गया, जिसकी वजह से अबू सलीम पे लीगली गुलशन कुमार की मर्डर का ट्रायल ही नहीं हुआ। रही बात इस केस में, बाद में काफी वियर्ड चीजें दिखनी शुरू हुई, जैसे कि एक विटनेस के की बलसारा, जो कहा जाता है कि उसने गुलशन कुमार के असैसिनेशन के लिए पैसे कलेक्ट किया था नदीम और रमेश तुरानी से, उसे पुलिस स्टेशन के बाथरूम में मरा पाया गया। वही पे इस केस में 19 में से सिर्फ एक को गिल्टी पाया गया, वो था उन तीन में से एक शूटर अब्दुल रौफ, जिसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। वही अब्दुल रशीद, जो उसके साथ सजा काट रहा था, उसे 2009 में अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाते हुए पैरोल लिया और फिर बांग्लादेश भागने की कोशिश की, पर वो पकड़ा गया। आज ये दोनों जेल में। गुलशन कुमार की डेथ बहुत ही शॉकिंग थी इस इंडस्ट्री के लिए, पर सबसे ज्यादा शॉकिंग ये था कि इस इंसिडेंट को हुए ऑलमोस्ट 26 साल हो गए, पर आज भी ये केस एक तरीके से अनसॉल्वड ही है, क्योंकि इस केस में मेन अक्यूज तो रिया हो गया या फिर लीगल लूपहोल की वजह से बच गया, पर फिर गुलशन कुमार को किसने मारा? क्योंकि अब्दुल रशीद और अब्दुल रौफ तो बस गन थे, ट्रिगर तो किसी और के हाथ में था। तो सवाल ये है, हु किल्ड गुलशन कुमार? तो ये था फर्स्ट एपिसोड ऑफ बॉलीवुड एंड माफिया का। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और तुम अगली कौन सी कहानी सुनना चाहोगे बॉलीवुड एंड अंडरवर्ल्ड की, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, वेल वीडियो पे लाइक करके हमें बता देना और कमेंट सेक्शन में अगेन बताना, क्योंकि इससे एंगेजमेंट आता है। तुम अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसका दबाना बिल्कुल मत भूलना। तुम हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो, ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओके बाय। लगदी तू रहिंदी अंबरां ते दिल तकदा जे तैनू करी जांदा ओए होए, दिल तेरे लई कमला वे तैनू तकदा जे बस।